हेलो, कैसे हैं आप लोग। ठंडी का मौसम आ गया है तो निहारी खाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ पुरानी दिल्ली का फेमस निहारी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और मसाला भी निहारी का घर में ही बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। 1.5 kg मैंने मटन लिया है और कुछ मसाला लिया है। बाद में बताऊँगी क्या क्या लिया है और कितना लिया है। सबसे पहले हमें मटन को पकाना है, तो गैस के ऊपर में मैंने कुकर रख दिया है और थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे इसमें। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। ये 3 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है जिसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन करके निकालना है। तो प्याज को मैंने एक साइड में कर दिया है, बीच बीच में उसे चलाते रहेंगे। गोल्डन ब्राउन जब हो जाए तो प्याज को निकालना है। तो एक इस साइड में मैंने अभी एक पैन रखा है और इसमें 2 टीस्पून के करीब मैं मैदा डाल रही हूँ और 2 टीस्पून बेसन। आप चाहो तो मैदा या बेसन दोनों में से कोई एक चीज़ ले सकते हो, लेकिन दोनों चीज़ मिक्स करके बनाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा निहारी का टेस्ट आता है। दोनों चीज़ को हमें भून लेना है। मैदा और बेसन को अच्छे से भून लिया है मैंने, तो इसको मैं साइड में कर देती हूँ और अच्छे से ठंडा कर लूँगा। प्याज भी ब्राउन हो गया है तो सारा प्याज निकाल लेंगे। मैंने 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है जिसमें पानी डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये डाल दूँगी तेल में। थोड़ी देर के लिए अदरक और लहसुन को भून ले लूँ, उसके बाद ये मटन को ऐड कर दूँगी। मटन को हमें तब तक भूनना है जब तक कि मटन का कलर चेंज ना हो जाए। निहारी के लिए होममेड मसाला बनाएंगे। 1 टीस्पून सौंफ लिया है, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून शाह ज़ीरा, 2 तेज़पत्ता, 4 से 5 लौंग, 3 पिपरी, 1 बादियान का फूल, 4 छोटी इलायची, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, जायफल का टुकड़ा, 1 टीस्पून धनिया। इन सब चीज़ का हमें पाउडर बनाना है। तो मिक्सर जार में डाल दूँगी। इसमें थोड़ा मसाला ऐड करेंगे। कश्मीरी मिर्च डाल ली हूँ, 1 टीस्पून के जितना नमक, 2 टीस्पून मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून सौंफ का पाउडर, और इन सब चीज़ को अच्छे से पीस लेंगे। तो पाउडर को रेडी कर लिया है मैंने। अगर लगे आपको कि आपका मसाला मोटा है तो आप इसको छान सकते हो। तो ये आपका निहारी मसाला बन करके रेडी है। आप इसको टाइट कंटेनर में बंद करके रख दीजिए और जब दिल करे निहारी बनाने का मसाला निकाल करके बना सकते हो। मटन का कलर चेंज हो चुका है तो इसमें मैं 4 टीस्पून दही डाल दी हूँ, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और ये प्याज जो हमने ब्राउन करके रखा था वो प्याज डाल देंगे। थोड़ा सा बचा लेंगे, सर्व करने के टाइम में यूज़ करेंगे। थोड़ा सा पानी डाल दूंगी, दही जिसमें मैंने डाला था उसमें पानी डाल करके धो करके डाल दिया है। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। थोड़ा सा पानी और डालना है, इस पानी डाल दिया है और ये जो निहारी मसाला बना करके रखा था ये सारा मसाला डाल देंगे। ये 1.5 किलो चिकन के लिए आपका सफिशियंट है मसाला। मिक्स करेंगे अच्छे से। कुकर के लीड को लगा देंगे और इसमें 4 से 5 सीटी लगाएंगे। मटन को अच्छे से हमें सॉफ्ट करना है। मटन को मैंने अच्छे से सॉफ्ट कर लिया है। अच्छे से मटन गल गया है तो अभी क्या करना है हमें, ये जो ऑयल ऊपर आया है ना इसको निकाल लेंगे। इसको सर्व करने के टाइम में ऊपर से डाला जाता है तो मटन निहारी देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। अभी मैं इसमें जो हमने रोस्ट करके मैदा और बेसन रखा था वो डालना है। वो डालने से क्या होगा ना, फिर उसमें ऑयल दिखेगा नहीं तो फिर अपना निहारी अच्छा नहीं लगेगा देखने में। गैस को वापस से ऑन करेंगे। अभी मटन में थोड़ा सा पानी और डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को मैंने हाई रखा है। मैदा और बेसन जो हमने भून करके रखा था उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक घोल बना लेना है इसका हमें। अच्छे से मिक्स करना है, गुठली नहीं होना चाहिए। पानी डाल दिया है और कुकर के ढक्कन को इस तरह से रख देंगे, इसमें अच्छा उबाल आ जाएगा। फिर बेसन और मैदे का जो घोल बना करके हमने रखा था वो डालेंगे। मटन में अच्छा उबाल आ गया है, ये लिक्विड जो हमने बना करके रखा है वो डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके और मिक्स करते जाएंगे। धीरे धीरे गाढ़ा होने लगेगा तो आपको जितना चाहिए ना, जितना गाढ़ा करना है आप उतना ही ये लिक्विड डालिए। ज़रूरी नहीं है कि पूरा डाल देना है। इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमें 10 से 12 मिनट और पका लेना है ताकि थोड़ा सा इसका ग्रेवी गाढ़ा हो जाए। तो इस तरह से ढक देंगे और गैस के फ्लेम को मैंने कम कर दिया है। 10 से 12 मिनट पका करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो 10 से 12 मिनट और मैंने इसे पका लिया है। ग्रेवी भी थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। अभी गैस के फ्लेम को मैं बंद कर दे रही हूँ और चलिए इसे सर्व करके दिखाती हूँ।
ऊपर से ये जो रोगन हमने निकाल करके रखा था ये डालेंगे, थोड़ा सा ब्राउन किया हुआ प्याज, कटा हुआ अदरक, थोड़ा सा धनिया पत्ता, कटा हुआ हरी मिर्च, नींबू। आप इसे गर्मा गर्म नान के साथ में खाइए, चपाती के साथ में खाइए, बहुत ही मज़ेदार बना है, बहुत ही टेस्टी बना है। तो ट्राई कीजिए, रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करें। तो बनाएं और एंजॉय करें।